अच्छा जी, मुझे समझ नहीं आती कि यार ये जो बच्चे हैं, मतलब ये किस किस्म के बच्चे हैं। इतना आजकल के जो बच्चे हैं, अल्ट्रा प्रो बच्चे, इन्होंने हमें इतना तंग किया हुआ होता है, इतना तंग किया होता है। यानी जब हम थे इनके टाइम पे, तो हमारी माएँ तो हमें टांगों के बीच में दबोच के, ठीक है, बिठा के तो बस कपड़े पहना देती थी। ना हम रोते थे, ना बोलते थे। लेकिन ये जो बच्चे हैं, इन्हें कभी एक चीज़ दो, कभी दूसरी चीज़ दो, इन्होंने सुननी नहीं होती। और इसी तरह हमारा जोहान है ना दादा साहब ने वो। कहा कि भाई मैंने तो कपड़े शपड़े से खून से चेंज छेल लिए हैं, बट नाउ इट्स अ टाइम टू प्लेइंग। अब जोहान साहब के कुछ दोस्त आ गए, और दोस्त इनके अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कौन सी नूरानी मखलूक है, कौन से फरिश्ते हैं जिनके साथ ये खेलते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और फिर उन्हीं के साथ ही बातें भी करते रहते हैं। अभी आप देख सकते हैं जोहान साहब की 8 छोटी छोटी बतूसियाँ निकाल के वो हंसते हैं, खेलते हैं, और सांस तो वैसे ले रहे थे कि जैसे पता नहीं अभी इनकी जिमनास्टिक और अभी इनके ना तमाम तरह एक्सरसाइजेस स्टार्ट होने वाली है। अपने आप को देख के इतना खुश हो रहे थे। अपने जो इनके दोस्त हैं, सीलिंग है, पंखे हैं, दीवारें हैं, पर्दे हैं, बेड है, इनको देख के इनकी खुशी जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रही थी। मतलब मुझे आजकल के इन बच्चों की समझ नहीं आती कि ये बच्चे करना क्या चाहते हैं। कभी खुद ही खड़ा हो जाता है और खड़े होकर अपनी खुशी का इजहार करता है। पुत्र जी, जिस टाइम पे बेड से नीचे गिरा ना, फिर तुझे समझ आएगी कि खुशियाँ क्या होती हैं। अब देखें जी इनके कारनामे, सजदे में जा रहे हैं, सजदे में जा के खरबाजियाँ ले रहे हैं, कलाबाजियाँ कर रहे हैं, और इसी के साथ कहते हैं जी ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। ये मेरा छोटा सा था चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।